दोस्तों, इंडियन ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि कार की लॉन्चिंग होने से पहले ही किसी गाड़ी का क्रैश टेस्ट हो चुका हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोस के बारे में, जिसका की लॉन्चिंग डेट 22 जनवरी 2020 थी, बट ग्लोबल एनसीएपी ने उसे लॉन्च होने से पहले ही क्रैश टेस्ट उस गाड़ी का कर लिया है। और जो रिजल्ट सामने आए हैं वो सोने पे सुहागे वाले रिजल्ट सामने आए हैं। सो चलिए हम गाड़ी के स्कोर्स की बात करते हैं। सो दोस्तों, क्रैश टेस्ट करने पे जो रिजल्ट सामने आए हैं, जो एडल्ट ऑक्यूपेंट्स को स्कोर मिले हैं, वो 16.13 आउट ऑफ 17 स्कोर्स मिले हैं, जिसमें 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं। और अगर चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स की अगर बात करी जाए तो 29 आउट ऑफ 49 स्कोर्स मिले हैं, जिसके लिए 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं। सो दोस्तों, ओवरऑल दिस इज़ द सेकंड कार ऑफ टाटा जिसने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स हासिल किए हैं। इससे पहले भी जिस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया गया था जिसमें 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स हासिल किए थे, वो टाटा की ही गाड़ी थी, नेक्सॉन। सो इससे अच्छी प्राउड मोमेंट वाली बात हो ही नहीं सकती टाटा और टाटा के कस्टमर्स के लिए। वहीं अल्ट्रोस का जिस वेरिएंट के साथ क्रैश टेस्ट किया गया है, उसमें सेफ्टी फीचर्स के नाम पे सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स, डुअल एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडिंग सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए हुए थे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि हर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी एक पर्टिकुलर फोकस को लेके ही गाड़ी बनाती है। जैसे कई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, उनका फोकस होता है कि हमारी गाड़ी की माइलेज अच्छी से अच्छी निकले। और कई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जो कि माइलेज और सेफ्टी फीचर्स दोनों को मद्देनज़र रखते हुए गाड़ी को मैन्युफैक्चर करती है और एक प्रोडक्ट निकालती है, जिसमें से टाटा मोटर्स एक ऐसा ब्रांड है जो कि इस स्टेज पर आता है। सो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा टाटा मोटर्स और उनके फैंस, कस्टमर्स और जो कंज्यूमर्स गाड़ी कंज्यूम करने वाले हैं इन फ्यूचर और पहले करते आ रहे हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, नेबर, रिलेटिव्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, जो कि इस तरह की नॉलेज अगर आपको लगता है कि उन्हें भी मिलनी चाहिए। सो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।